गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल जैसे मैंने आपको कहा था कि हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट वन का चैप्टर नंबर थर्ड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बड़ा अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक परचेज कर लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो गुजरात बोर्ड के साइट से आप टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों ने उसको डाउनलोड न किया हो, तो हमने अपनी ऐप में हमारे क्लास का पैम्फलेट एज वेल एज इस चैप्टर का पीडीएफ फॉर्म आपको प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। पर्टिकुलरली जैसे मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करूँगा तो आपको एग्जाम्पल में उस क्वेश्चन के फिगर्स की ज़रूरत होगी, जैसे आप वो एग्जाम्पल समझ सकें। एट प्रेजेंट थियरी में आपके हाथ में वो न भी हो तो शायद चल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 11th में कई बार आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, शायद आपको मीनिंग भी पता है कि व्हाट इज गुडविल। गुडविल इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन एंजॉयड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। आप कहेंगे सर ये टेक्निकल वर्ड्स क्या बोलते जा रहे हो, इट इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन एंजॉयड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। इसको बहुत सिंपल वे मुझे आपको समझाना हो तो मार्केट में अगर किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और वो आदमी अपना बिजनेस सेल करना चाहता है, मैं वो बिजनेस परचेस करना चाहता हूं, तो अपने बिल्डिंग के पैसे तो ले गई, फर्नीचर के पैसे लेगा, उसके स्टॉक के पैसे लेगा। अब उसने मार्केट में एक रेपुटेशन डेवलप की हुई है। रेपुटेशन डेवलप की हुई है मतलब क्या, आप जिस भी एरिया में रहते हो आप थोड़ा इमेजिन कर लेंगे कि हर एक एरिया में नॉर्मली क्या होता है, काफ़ी कस्टमर पर्टिकुलर शॉपकीपर को प्रिफर करते हैं, वो उसी के पास से गुड्स परचेस करते हैं। अब पर्टिकुलर शॉपकीपर के पास से गुड्स परचेज ही करते रहते हैं, उसका रीज़न क्या है? अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। कई बार कोई दुकानदार फेमस होता है क्योंकि वो कोई चीज़ रीजनेबल प्राइस पे सेल कर रहा है। रेपुटेशन खाली इसकी वजह से नहीं होती है, कई बार कुछ चीज़ों में क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, प्राइस काफ़ी लोग इग्नोर भी करते हैं, किसी चीज़ में क्वालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो लोगों को पता होता है कि इस दुकान पर जो चीज़ मिलेगी वो बेस्ट क्वालिटी की होगी, भले कभी मार्केट से उसका रेट 2-3% ज़्यादा होगा ना, लेकिन वो अपनी क्वालिटी के लिए फेमस है। कोई आदमी अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस होगा, कोई अपनी आफ्टर सेल सर्विस के लिए फेमस होगा कि वो गुड्स देने के बाद अगर कभी भी प्रॉब्लम हो तो सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव रहता है, तो लोग उसके पास ही जाना प्रेफर करते हैं। अब ज़्यादा लोग उसके पास जाएंगे, कस्टमर्स जाएंगे, तो नेचुरली उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अब कोई आदमी अपना बिजनेस सेल कर रहा है, मैं उसका दुकान परचेज करूं, वो एक रेप्यूटेड फॉर्म है, मुझे बिजनेस सेट करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कस्टमर्स आर अकस्टम टू कम देयर, दे आर हैबिचुएटेड टू कम देयर। जैसे ही मैं बिजनेस परचेज करूंगा, नेक्स्ट डे जैसे ही मैं दुकान स्टार्ट करता हूं मॉर्निंग में, कस्टमर्स विल गो ऑन कमिंग, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, मुझे एक रेडी बिजनेस मिल रहा है। तो ये हुआ उसकी रेपुटेशन, उसकी रेपुटेशन की वजह से मुझे बेनिफिट मिल रहा है। तो गुडविल इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन एंजॉयड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। आप ऐसे सोचेंगे कि सर वो बिजनेस परचेस करने के टाइम पे ही जरूरत पड़ेगी, द गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास दो टाइप की एसेट होती है, नॉन करंट और करंट। ऑल ऑफ यू नो नॉन करंट एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, इवन ट्रेडमार्क, गुडविल। तो नॉन करंट के अंदर दो टाइप की एसेट थी, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट। नाउ ऑल ऑफ यू नो टेंजिबल मींस
एक ऐसी एसेट जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, इट इज विजिबल. वेयर इज इंटेंजिबल एसेट मीन्स एसेट है लेकिन वो विजिबल नहीं है, उसको आप देख नहीं सकते हैं. तो नेचुरली आप कहेंगे सर वो एसेट है, व्हाट डू यू मीन बाय एसेट? एसेट इज अ थिंग द फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ विच विल फ्लो टू द ऑर्गेनाइजेशन. मेरी प्लांट मशीनरी से मैं ही प्रोडक्शन करके गुड्स सेल करता हूं तो उसका बेनिफिट मुझे ही मिलता है. मेरी बिल्डिंग का यूज मैं ही करूंगा, वहां पे बैठ के बिजनेस मैं करता हूं तो उसका बेनिफिट मुझे मिलता है, तो ये मेरी एसेट है. सिमिलरली मेरी गुडविल का बेनिफिट मुझे मिलेगा तो ये मेरी एसेट है. ऑफ कोर्स गुडविल कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच. अब सवाल ये आता है कि गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है? बेटा रियल लाइफ में आप बिल्डिंग परचेज करो, मशीन परचेज करो, तो इट इज सब्जेक्ट टू बार्गेनिंग. सिमिलरली गुडविल भी बार्गेनिंग पे डिपेंड करती है. तो वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो मैं कई बार क्लास में एक एग्जांपल देता हूं कि मेरी वाइफ मुझे जब मैं मार्केट जाता हूं तो समझा के भेजती है कि आप अच्छी तरह बार्गेनिंग करके कोई चीज लेना. अब मैं बहुत अच्छी तरह बार्गेनिंग नहीं कर पाता हूं, तो मेरी वाइफ ने मुझे समझा दिया कि कोई भी शॉपकीपर आपको जितना रेट का उसका हाफ रेट बोल देना. तो एक बार पोटेटोस लेने में गया, शॉपकीपर ने कहा 20 रुपीज़. मैंने बोला 10 रुपीज़ में देना है. उसने कहा नहीं भैया. नेक्स्ट डे उसने कहा 22 रुपीज़. मैंने बोला 11 रुपीज़ में देना है. उसने कहा नहीं भैया. लेकिन उसको आइडिया आ गया कि वो जो भी अमाउंट बोल रहा है मैं उसका हाफ अमाउंट बोल रहा हूँ. नेक्स्ट डे रेट था 24 रुपीज़. उसने मुझे कहा 50 रुपीज़. मैंने कहा 25 में देना है. उसने आराम से वो चीज़ दे दी, मैंने ले ली, वो भी खुश था, उसे बिजनेस मिला. लेकिन लॉस में मैं गया, 24 रुपीज़ की आइटम मैंने 25 में परचेस की. अगर मुझे रीजनेबल अमाउंट पता नहीं है तो बार्गेनिंग करने में भी मैं लॉस में रहूँगा. तो बेटा वैल्यूएशन गुडविल की कैसे की जाती है वो तो हम सीखेंगे, लेकिन सवाल ये क्यों वैल्यूएशन करनी पड़ती है, व्हाट इज नीड? नाउ जैसे मैंने आपको कहा, कोई दुकानदार अपना बिजनेस सेल कर रहा है तो वो गुडविल के पैसे लेगा. ऐसे में अपने दुकान का एक पार्ट सेल कर रहा हूं. सर पार्ट सेल कर रहा हूं मतलब, ऑल ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ पार्टनर, ओनर ऑफ अ पार्ट, पार्ट प्लस ओनर, पार्टनर. मैं किसी को नया पार्टनर बना रहा हूं. आज तक मैंने मेहनत की, मैंने रेपुटेशन डेवलप की, मैंने गुडविल डेवलप की, तो उसका बेनिफिट भी नेचुरली मुझे मिलना चाहिए. किसी भी चीज का बेनिफिट ओनर को मिलता है. आज तक रेपुटेशन मैंने डेवलप की है तो उसका बेनिफिट भी मुझे ही मिलना चाहिए. तो जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो उसे गुडविल के कितने पैसे लिए जाएं, तो गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी. सिमिलरली कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो तो रिटायरिंग पार्टनर कहेगा कि आज तक मैंने भी मेहनत की थी, हमने मिलकर मेहनत की थी और रेपुटेशन डेवलप की है. जैसे कोई आदमी अपना बिजनेस सेल करता है तो गुडविल के पैसे लेता है, तो रिटायरिंग पार्टनर भी अपना शेयर, अपना पार्ट रिमेनिंग पार्टनर्स को देके जा रहा है, वो सेल कर रहा है, तो चाहेगा कि उसे उसकी मेहनत के बदले जो गुडविल उसने क्रिएट किया उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो भी गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी. सिमिलरली दो पार्टनरशिप फर्म को मर्ज किया जाए, वी कॉल इट अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तभी भी गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी. सिमिलरली एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करे तो भी गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है. सो दीज आर द नॉर्मल रीजंस फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. जैसे हम लोग अकाउंट्स के अंदर तो बेसिकली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना सीखते हैं. मैं बिल्डिंग परचेज करूं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी परचेज करूं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. सिमिलरली किसी को मैं गुडविल, किसी का रनिंग शॉप परचेज करूं, उसे गुडविल के पैसे दूं, तो एंट्री तो वैसा ही होगी जैसे वो नॉर्मल बिल्डिंग की थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक.
लेकिन जैसे बिल्डिंग की वैल्यूएशन के लिए हम किसी इंजीनियर को बुलाएंगे, सिविल इंजीनियर आके देखेगा बिल्डिंग कैसे बनी हुई है, मशीन की वैल्यूएशन के लिए मैकेनिकल इंजीनियर को बुलाएंगे। सिमिलरली गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी? तो उसके अलग अलग मेथड हैं। जैसे आप ये मानते हो कि बिल्डिंग की वैल्यूएशन में आप दो आर्किटेक्ट को बुला लो, तो दोनों का एंगल थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। मशीनरी की वैल्यूएशन करनी हो मैकेनिकल इंजीनियर को बुला लो, तो उनका भी वैल्यूएशन का मेथड अलग अलग हो सकता है। कोई ये देखेगा कि मशीन कौन से मेटल की बनी हुई है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। कोई दूसरी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा कि इसका रिकरिंग एक्सपेंस कितना है, मेंटेनेंस का खर्चा कितना है। तो हर एक अपने अपने एंगल से उसकी वैल्यूएशन करता है। सिमिलरली गुडविल की वैल्यूएशन के भी अलग अलग मेथड हैं, लेकिन सभी मेथड एक चीज पर डिपेंड करते हैं, घुमा फिरा के, दैट इज प्रॉफिट। क्यों? मैंने किसी का रनिंग बिजनेस परचेस किया, उसकी रेपुटेशन की वजह से मुझे प्रॉफिट मिलेगा। नेचुरली प्रॉफिट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसके अलग अलग मेथड हैं। आपके सिलेबस में ये चार मेथड हैं। वन इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड, अनदर इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड वन सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड देन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। हम एक एक करके प्रैक्टिकली ये सीख रहे हैं, बट इसके अंदर जब हम आएंगे फोर्थ वन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, तो इसके अंदर भी मैं आपको दो चीजें अलग अलग सिखाऊंगा। हर एक मेथड हम नंबर वाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बट आपके पैम्फलेट में हमने एग्जाम्पल्स तो दिए ही हैं, मैं वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर वन तो स्टार्ट करूँगा, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल से भी यही कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट बोर्ड के अंदर ये एग्जाम्पल 4 मार्क्स का आता है, इधर हमने वेटेज लिखा था 6 मार्क्स का, इस चैप्टर का वेटेज। इस चैप्टर में से एक एमसीक्यू आता है, एक आंसर इन वन लाइन आता है, और एक क्वांटिटेटिव क्वेश्चन डी सेक्शन में 4 मार्क्स का आता है, टोटल 6 मार्क्स। सपोज आपको एग्जाम में ऐसे दिया गया है, गुडविल इज 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। अब इसको रियल लाइफ के एंगल से समझाऊं, मैं किसी का दुकान परचेज कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मुझे उसी लेवल का बिजनेस सेट करने में 2 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, तो मैं 2 साल का प्रॉफिट का अमाउंट उसको एक्स्ट्रा दे दूं तो मैं लॉस में नहीं हूं। व्हाट आई मीन, देखो उसकी रेपुटेशन की वजह से प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, मेहनत तो उसने की थी, मैंने नहीं की है, उसने एक रेपुटेशन डेवलप की थी। 2 साल तक किसी की भी रेपुटेशन आपको लाइफ टाइम हेल्प नहीं करती है। इवन आप इमेजिन कर लो, किसी को भी इवन पेरेंट्स की रेपुटेशन भी लाइफ टाइम हेल्प नहीं करती है। सपोज मिस्टर ए इज वेरी ऑनेस्ट बिजनेसमैन, बहुत अच्छी तरह बिजनेस कर रहा था। अब मिस्टर ए रिटायर हो गया या उसका डेथ हो गया, अब उसका सन मिस्टर बी आके वहां पे बिजनेस कर रहा है। बट सपोज मिस्टर बी इज नॉट कैपेबल, ही इज नॉट सो ऑनेस्ट, तो फादर की रेपुटेशन का बेनिफिट भी लाइफ टाइम नहीं मिलेगा। कुछ टाइम तक लोग वहां पे आएंगे, कोई चीज परचेज करेंगे, लगेगा कि इसने ढंग से बिजनेस चीज नहीं दी है, फिर भी क्योंकि ओल्ड रेपुटेशन की वजह से चलो एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं, फिर से आ जाएंगे। लेकिन 2-3 बार खराब एक्सपीरियंस होने के बाद धीमे धीमे वो कस्टमर आना बंद हो जाते हैं। तो आपको किसी की भी रेपुटेशन का बेनिफिट लाइफ टाइम नहीं मिलता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली इस सेंटेंस का मीनिंग समझा रहा हूं कि व्हाट दे वांट टू कन्वे, कि गुडविल इज 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। 2 इयर्स परचेज मैंने आपको समझा दिया, किसी ने दुकान बेच, कोई आदमी दुकान बेच रहा है,
मैं परचेस कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस टाइप का बिजनेस सेट करने में मुझे 2 साल लगेंगे, इट मीन्स उसकी रेपुटेशन की वजह से 2 साल तक मुझे प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो 2 साल का प्रॉफिट एज ए वैल्यू ऑफ गुडविल मैं उसको दे दूं तो मैं लॉस में नहीं हूं। तो प्रॉफिट कौन सा, लास्ट ईयर वाला प्रॉफिट? शायद लास्ट ईयर वाला प्रॉफिट एक्सेप्शन हो, बट कोई भी ईयर कभी भी एक्सेप्शन हो सकता है। किसी ईयर में बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कोई ऑकेजन हुआ किसी सिटी में, सपोज कोई वनडे मैच हुई, काफी विजिटर्स आ गए, कुंभ का मेला था, काफी विजिटर्स आ गए, किसी भी रीजन से वहां पे विजिटर्स ज्यादा है, बिजनेस ज्यादा चल गया, इट कैन बी एक्सेप्शनल ईयर। तो किसी ईयर में इकोनॉमी में डाउनफॉल हो तो उस ईयर में प्रॉफिट कम भी हो सकता है, इट कैन बी आल्सो एन एक्सेप्शनल ईयर। तो नॉर्मली एवरेज एन आपको एक बेटर रिजल्ट देगा। दूसरा एग्जाम्पल दे दूं कि कोई स्टूडेंट उसकी 100 में से कभी 70 मार्क्स आई, कभी 80 आई, कभी 85 आई, कभी 75 आई, तो एक रिजल्ट के बेस पे आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि वेदर इज अ वीक स्टूडेंट और इज अ क्लेवर स्टूडेंट। ऑन एन एवरेज उसका परफॉर्मेंस क्या रहा ये आप देखेंगे, तो आपको आइडिया, बेटर आइडिया आएगी। तो बेटा आपको रियल लाइफ में वो 4 साल का प्रॉफिट आप उस बिजनेसमैन का बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू जान सकते हो। एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, आपको वो प्रॉफिट की फिगर क्वेश्चन में दी जाएगी। कितने ईयर्स का परचेज है वो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा। ये हर बार 2 ईयर्स होगा ऐसे नहीं है, कभी 3 ईयर्स परचेज हो सकता है। 3 ईयर्स परचेज की मीनिंग समझा दूं कि सपोज मैं किसी का रनिंग शॉप परचेज कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि इस टाइप का बिजनेस सेट करने में मुझे 3 साल लग जाएंगे, तो एवरेज प्रॉफिट का 3 टाइम्स ज्यादा अमाउंट मैं उसे एज अ गुडविल दे दूं, तो दैट विल बी अ रीजनेबल अमाउंट, दैट इज कॉल्ड 2 ईयर्स परचेज और 3 ईयर्स परचेज। एवरेज कभी 4 साल का लिया जाता है, कभी 5 साल का लिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न यू विल बी गिवन द डेटा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि 4 साल का प्रॉफिट है। मैं एग्जाम्पल 1 स्टार्ट करूंगा तो बस सॉल्यूशन में खाली यहाँ पे लिखूंगा ईयर, यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट मीन्स प्रॉफिट का अमाउंट, इन चारों का मैं टोटल लगाऊंगा। लेट अस सी द टोटल, 0 0 5 into 7 and 7 14, 1 goes up 7, 14, 21 and 7, 28. 4 साल का टोटल प्रॉफिट 2,84,000 है। नाउ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट हमने गिन लिया है 2,84,000। बेटा नंबर ऑफ ईयर्स मतलब ये टोटल कितने ईयर्स का प्रॉफिट है, ये 4 साल का प्रॉफिट है। बी केयरफुल, यहां पे बाय मिस्टेक ये नहीं लेना है, ये 4 साल का प्रॉफिट है। तो ऑन एन एवरेज हर साल का प्रॉफिट कितना, इट इज 71,000, 7 4s are 28, 1 4s are 4, 71,000, दिस इज द एवरेज प्रॉफिट, नॉट गुडविल। अब ऑन एन एवरेज हर साल प्रॉफिट 71,000 हो रहा है, उसका ट्वाइस मुझे क्या लग रहा है कि 2 साल मुझे लगेंगे ऐसा बिजनेस सेट करने में, तो मुझे 2 साल का प्रॉफिट का अमाउंट उसको एज ए गुडविल देने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो गुडविल की फार्मूला बहुत सिंपल है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट 71,000, इस एग्जाम्पल में आपको कहा गया है 2 ईयर्स परचेज, मैंने आपको कहा कभी एग्जाम्पल में 3 ईयर्स परचेज दे दें तो इंटू 3 होगा, 4 ईयर्स परचेज दे दें तो इंटू 4 होगा, 5 ईयर्स परचेज दे दें तो इंटू 5 होगा। वो 2, 3, 4, 5 का इससे कोई रिलेशन नहीं है, एवरेज प्रॉफिट 4 साल का दिया है
तो इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, वो एवरेज ढूंढने के लिए 2 इयर्स परचेज से इंटू 2 करेंगे, सो वी गेट 1,42,000 एज द अमाउंट ऑफ गुडविल. दिस इज एवरेज प्रॉफिट मेथड. अभी मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे गुडविल कैसे गिनी जाती है वो एक्सप्लेन किया. मेरे हाथ में मेरे क्लास के पैम्फलेट की हार्ड कॉपी है, आपके पास सॉफ्ट कॉपी है. तो बेटा पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हमने पैम्फलेट कैसे बनाए हैं, आपको कैसे उसको यूज़ करना है और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है. बेटा मेरे पैम्फलेट के अंदर ये सब एग्जाम्पल्स हमने क्लास के अंदर ही डेवलप किए हुए हैं, मतलब ये टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स नहीं है, हैं टेक्स्ट बुक के बेस पे, लेकिन टेक्स्ट बुक वाले फिगर्स नहीं है. उसका पर्पस भी क्लियर बता रहा हूं कि हमारा पर्पस यही रहता है कि क्लास में हम आपको कोई भी चीज सिखा दें, एक्सप्लेन कर दें, फिर आप घर पे प्रैक्टिस करो. तो स्टूडेंट्स के अंदर कुछ एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ क्लेवर होते हैं, कुछ थोड़े से बिलो एवरेज भी होते हैं. तो मेरा मेथड ये है कि मैं ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करवाता हूँ, अपने एग्जाम्पल्स बना के देता हूँ, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक में एज अ इलस्ट्रेशन मिल जाएगा, एज अ इलस्ट्रेशन. तो घर पे आप सॉल्व कर रहे हैं एंड सपोज कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट है, वो कहीं पर अटक गया, उसका सोल्यूशन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो जरूरत पड़ने पर वो उसको रिफर भी कर सकता है. उसके लिए उसको एक दिन वेट नहीं करना है कि कल क्लास पे जाके सर से पूछूं, तो वहीं पे एग्जाम्पल करने के बाद उसको कॉन्फिडेंस आना चाहिए. तो फिर एक्सरसाइज के एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक की जो पीछे एक्सरसाइज होती है उसके एग्जाम्पल भी हम होमवर्क में दे देते हैं. तो ये थ्रू आउट द चैप्टर, खाली इस चैप्टर के लिए नहीं, थ्रू आउट द होल ईयर दिस इज माई सिस्टम कि मैं जो एग्जाम्पल करवाऊंगा, मेरा पैम्फलेट मैं आपको दूंगा, उसमें एग्जाम्पल नंबर एक होगा पी के साथ. जैसे अभी जो एग्जाम्पल है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1P, पेज नंबर 5 पे आपके पास ये एग्जाम्पल है, 1P पेज नंबर 5 पे, ये वन प्रॉब्लम नंबर 1 ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. उसके बाद इमीडिएटली आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है कि होमवर्क में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं. जैसे इस एग्जाम्पल के बारे में बता दूं, इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 91, पेज नंबर 91 मतलब टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1, वहां पे नाम खुद ही क्लियर है इलस्ट्रेशन. मैं यहां पे इलस्ट्रेशन वर्ड यूज नहीं करता, मैं यूज करता हूं प्रॉब्लम नंबर 1 जो मैं सिखा रहा हूं, वो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 91 पे है, वो पेज नंबर भी ब्रैकेट में दिया हुआ होगा थ्रू आउट द ईयर. एक्सरसाइज 4 पेज नंबर 105 पे, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 105 पे एक्सरसाइज नंबर 4, वो भी आपका होमवर्क रहेगा इसके बाद. एंड EX1E बिलो, ई मैंने EX नहीं कहा है टेक्स्ट बुक के लिए, मैं थ्रू आउट द ईयर वर्ड यूज करूंगा EX एक्सरसाइज, और मेरे एग्जाम्पल्स ई नंबर है तो एक्सरसाइज का ही शॉर्ट फॉर्म, लेकिन ई वो मेरे पैम्फलेट के लिए मैंने वर्ड यूज किया है. तो 1E नीचे क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसका आंसर वहीं पर ब्रैकेट में दिया हुआ है. जैसे टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज के आंसर्स लास्ट पेजेस पे दिए हुए होते हैं, सिमिलरली ई नंबर के एग्जाम्पल के आंसर्स हम यहीं पर आपको ब्रैकेट में प्रोवाइड करेंगे. तो मैं एग्जाम्पल 1 कंप्लीट करूं तो इट इज़ इम्प्लाइड कि इसके नीचे जो होमवर्क दिया हुआ है वो आपका होमवर्क. एग्जाम्पल 2 कंप्लीट करूं, मैं अनाउंस करूं या ना करूं, थ्रू आउट द ईयर के लिए कह रहा हूं, उसके नीचे ब्रैकेट में हाँ एग्जाम्पल कंप्लीट होने के बाद, उससे पहले आप वो एग्जाम्पल नहीं करेंगे. तो बेटा आपके हाथ में PDF फाइल है, एग्जाम्पल नंबर 1 कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ सुशील एंड नीलेश डिटरमाइन द वैल्यू बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज. अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि 3 ईयर्स परचेज मतलब एवरेज प्रॉफिट को
मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे गुडविल का अमाउंट मिलेगा। आप एक काम कीजिए, वहां पे 3 इयर्स परचेज को अंडरलाइन कर दीजिए, ऑफ लास्ट 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। आपको 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2016-17 का 1,58,000, 17-18 का 1,72,000, नेक्स्ट ईयर 1,69,000 एंड नेक्स्ट ईयर 1,77,000। ये आपको 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। जैसे मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इन चारों का मैं टोटल लगाऊंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, आई विल गेट एवरेज प्रॉफिट। लेट अस कंटिन्यू, लेट अस सी द टोटल। 3 जीरोस, 8 and 2 10 and 9 19 and 7 26, 2 goes up 2 and 5 7 and 7 14 and 6 20 and 7 27, 2 goes up 2 and 1 3 and 1 4 5 6 4 years ka total profit hai 6,76,000। Average profit is equal to टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नाउ ऑल ऑफ यू नो व्हाट आई मीन बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये 4 साल का प्रॉफिट है तो नंबर ऑफ ईयर्स में 4,76,000 अपॉन 4, 1, 6, 4 are 24, 9 4s, so average profit is 1,69,000। अभी एक चीज का और ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, जल्दी में कुछ गलतियां होती रहती है, कैलकुलेटर पे एक के बदले दूसरी किसी डिजिट को टच हो गया तो गलती हो सकती है। तो कुछ कॉमन सेंस अगर हम यूज करें, किन चार फिगर में अगर आप ध्यान से देखेंगे, छोटे में छोटी फिगर ये है और सबसे बड़ी फिगर ये है। फर्स्ट नंबर फिगर एंड लास्ट नंबर फिगर नहीं कह रहा हूं, इन चार में सबसे छोटी फिगर ये है, सबसे बड़ी फिगर ये है। एक कॉमन सेंस की बात समझ लो, एवरेज फिगर इन दोनों के बीच में कहीं भी आएगी। इट कैन नॉट बी लेस देन 1,58,000, इट कैन नॉट बी मोर देन 1,77,000। तो जल्दी में कभी एक जीरो कम पुश हुआ हो और आपके कैलकुलेटर पे, हम लोग कभी कभी कैलकुलेटर पे ज्यादा भरोसा करते हैं खुद से, थोड़ा सा अगर आप अलर्ट रहोगे ना तो आपको काफी चीजों में बेनिफिट होता है। तो दिस इज एवरेज प्रॉफिट। नाउ गुडविल, एज यू नो, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सो एवरेज प्रॉफिट इज 1,69,000 इंट। अगेन क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ सुशील एंड निलेश डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज। 3 इयर्स परचेज, सो नंबर ऑफ इयर्स परचेज विल बी 3। सो गुडविल 9 3s are 27, 2 goes up 6 3s are 18 and 2 20, 1 3s are 5,07,000। दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। बहुत ही सिंपल है, समराइज कर रहा हूं। आपको क्वेश्चन में कुछ ईयर का प्रॉफिट दिया होगा, जैसे इस एग्जाम्पल में 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया है, टोटल लगाइए, 4 से डिवाइड कीजिए, दिस इज एवरेज प्रॉफिट। देन इफ दे से गुडविल इज 2 इयर्स परचेज तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। इफ दे से गुडविल इज 3 इयर्स परचेज, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि व्हाट आई मीन बाय 2 इयर्स परचेज, कि मुझे इस लेवल का बिजनेस सेट करने में 2 साल लगेंगे, सो 2 इयर्स परचेज। 3 इयर्स परचेज मतलब मुझे इस लेवल का बिजनेस सेट करने में 3 साल लगेंगे, सो एवरेज प्रॉफिट इंटू 3, दिस इज अमाउंट ऑफ गुडविल। आई होप दिस इज क्लियर। बेटा एक और चीज खाली ध्यान से देख लो, तो कल के पीरियड में मुझे वापस आपको ऐसे ना कहना पड़े कि कल वाला एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। यहाँ पे आप खाली इतना देखो कि गुडविल
कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहा है या कंटिन्यूस डिक्रीज नहीं हो रहा है। 158 में से नेक्स्ट ईयर बढ़ के 172 हो गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, कंटिन्यूस बढ़ नहीं रहा है, कंटिन्यूस कम नहीं हो रहा है। सर उसका कोई इम्पोर्टेंस है? ऑफ कोर्स, वो हम कल के पीरियड में डिस्कस करेंगे। आजकल इतना ध्यान दे दो कि कंटिन्यूस इंक्रीज नहीं हुआ है या कंटिन्यूस डिक्रीज नहीं हुआ है। अगर ऐसा होगा तो हमें सेकंड मेथड यूज करना होगा, वेटेड एवरेज, जो हमारा एग्जांपल नंबर थर्ड है। अभी ये फर्स्ट है, वो एग्जांपल नंबर थर्ड है। आई होप आप ये लिख लेंगे, बट अभी ऑनलाइन आपके लिए भी न्यू है, थोड़ा सा इतना ध्यान दीजिए कि कभी भी आपको जरूरत हो ये पूरा आपको लिखना है तो कहाँ पे पॉज करके लिख रहे हैं, जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करो कि यहाँ तक समझ में आ गया, पॉज करके 2 मिनट लिखना है तो आप वो लिख लीजिए और फिर आगे बढ़ते रहिए। या तो कई बार काफ़ी बच्चों को ज़्यादा ये कंफर्टेबल लग सकता है कि पूरा वो एग्जांपल देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, फिर रिवाइज करके उसको दूसरी बार देखते हुए लिख लेते हैं। या सिमिलर एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन है उसके बेस पे भी आप लिख सकते हो, इट विल बी वेरी इजी। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2P करने जा रहे हैं, जो भी पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। काजू एंड बादाम आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, दे कंटेम्पलेट टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 3:2 to 2:1। बेटा कल इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको रेशियो समझाया था, आज तक वो लोग प्रॉफिट शेयर करते थे 3:2, मतलब जब काजू को 3 रुपए मिलते थे, बादाम को 2 रुपए मिलते थे। आज के बाद वो चेंज कर रहे हैं 2:1 में, मतलब जब काजू को 2 रुपए मिलेंगे बादाम को 1 रुपए मिलेगा। बेटा इस बैकग्राउंड का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये भी याद होगा मैंने आपको नीड ऑफ वैल्यूएशन के टाइम पे बताया था, जब न्यू पार्टनर एडमिट हो, कोई पार्टनर रिटायर हो, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज करें, उस दिन गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। तो टेक्स्ट बुक वालों ने एक बैकग्राउंड क्रिएट करके एक प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश की कि अपना प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज करें, इसकी वजह से गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं। गुडविल की वैल्यूएशन करने का मेथड चेंज नहीं होगा, मतलब इस पैराग्राफ की वजह से आपका आंसर लिखने का मेथड या आंसर के लिए सोचने का मेथड भी चेंज नहीं होगा। इस पूरे एग्जांपल में 3:2, 2:1 का कोई लेना देना नहीं है। वो बैकग्राउंड पार्ट हुआ कि हम वैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं, तो पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज करें, इसके लिए वैल्यूएशन कर रहे हैं। वैल्यूएशन तो वैसे ही करेंगे जैसे एग्जाम्पल 1 में देखा। तो एग्जाम्पल 2 करवाने का रीजन है, अब आप आगे देखेंगे, दे आर गिवन यू, therefore it is decided to determine the value of goodwill from the following information, determine the value of goodwill of the firm as per partnership agreement, the goodwill is calculated at 5 years purchase, underline kar dijiye 5 years purchase of the average profit of last 4 years, but the last 4 years ka profit aapke question mein diya hua hai, maine yahan pe already likh diya hai 48,000, 56,000, देन इन टू ब्रैकेट 12,000। ब्रैकेट क्या दिखाते हैं? अकाउंट्स के अंदर ब्रैकेट इंडिकेट्स निगेटिव फिगर, इट मीन्स लॉस। 12,000 का लॉस हुआ है इस पर्टिकुलर ईयर में, फिर से प्रॉफिट हुआ है 40,000। जैसे मैंने एग्जाम्पल 1 में कहा था, वापस बोल रहा हूँ, अब देखेंगे प्रॉफिट में ना तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है ना तो डिक्रीजिंग ट्रेंड है, ये खाली ध्यान से देख लीजिए। अब मेथड वही कि मैं 4 साल का प्रॉफिट का टोटल लगाऊंगा। ऑफ कोर्स थोड़ा ध्यान देना कि प्रॉफिट 3 साल में हुआ है, लेकिन टोटल जब आप लगाओ तो ये निगेटिव फिगर माइनस करनी है। सो आई विल कैलकुलेट 0, 0, 0, बट आप कैलकुलेटर पे खुद कैलकुलेट कर सकते हो। 8 and 6, 14 minus 2, 12, 1 goes up 1 and 4, 5, 5 and 5, 10, 1 minus 9, 9 and 4, 13, 1,32,000। आप कैलकुलेटर पे गिन लीजिए, मेरी तरह मत करना, उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत रहती है। अगर आप इस तरह से करते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा इन
इसमें ये ऐड करना, ये 40,000 ऐड करना, ये माइनस करना, दिस इज माइनस, तो आपका टोटल प्रॉफिट आ गया, चार साल का टोटल प्रॉफिट, चार का बोल रहा हूं, 132। नाउ एवरेज प्रॉफिट, इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। टोटल प्रॉफिट इज 1,32,000, नंबर ऑफ इयर्स, अगेन आई रिपीट, 4। कुछ बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉफिट 3 साल में हुआ है, ये 4 साल का टोटल है, इंक्लूडिंग दिस इज निगेटिव प्रॉफिट, वी कॉल इट निगेटिव इनकम, दिस इज लॉस। तो ये 4 साल का टोटल है, 4 से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट, 3 4s are 12, 1 goes up, 3 4s are 12, 33,000 इज द एवरेज प्रॉफिट। एग्जाम्पल 1 और 2 में कोई फर्क नहीं था, खाली ये निगेटिव फिगर है, इतना ही फर्क था। गुडविल गिनने का मेथड भी सेम, दे आर गिवन यू, गुडविल इज कैलकुलेटेड एट 5 years परचेज, सो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सो एवरेज प्रॉफिट इज 33,000, नंबर ऑफ इयर्स परचेज इज 5, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगेन आई रिपीट, बी केयरफुल, ये 4 साल का था, वहां पे बाय मिस्टेक 4 नहीं लिखना है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया है 5, 33,000 इंटू 5, 0,0,0,3,5 are 15, सो गुडविल इज रुपीज 1,65,000, दिस इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आपको इसके पीछे जो होमवर्क दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद, सिमिलरली 1P के बाद, 2P के बाद, ये एग्जाम्पल आप करेंगे बेटा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही नेक्स्ट मेथड समझ में आएगा, और दो मेथड मिक्सअप नहीं होंगे। तो आज का होमवर्क आज ही कंप्लीट करना होता है। ओके।